उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बीती देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि बदमाशों की गोली से एक इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इन बदमाशों ने कुछ दिन पहले एक सराफा व्यापारी से लाखों रुपयों की लूट की थी, जबकि दिन दहाड़े महिला शिक्षक की चेन भी लूटी थी। 28 सितंबर को एक घटना हुई थी यहाँ राजेपुर थाना क्षेत्र में, जिसमें कि बस में एक सर्राफ के साथ लूट की गई थी। उसको उतार के उसके पास रखे हुए आभूषण और कुछ कैश, ये मिला के लगभग 3 लाख से अधिक की वो लूट थी। एक काफ़ी बड़ी घटना थी जिसको लेकर के हमारी टीमें सक्रिय थी। इसी बीच में एक घटना आवास विकास थाना फर्रुखाबाद में हो गई, जिसमें कि एक महिला की चेन लूट ली गई और मुखबिर की सूचना पर पता चला कि आज यहाँ पर आए हुए हैं फिर से वही बदमाश जिन्होंने पहले 2 घटनाएं की हैं। तो इस पर बदमाशों के गढ़िया गांव के पास होने की सूचना एकांत में मिली, फिर वहां जाकर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायर किया, पुलिस पार्टी ने भी जवाब में फायर किया, जिससे कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी और कुल मिलाकर मौके से 4 लोग अरेस्ट हुए। इन चारों से बातचीत की गई तो ये घटना को स्वीकार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इन्होंने पहली लूट वाली घटना जो बस से हुई थी वह, और दूसरी राजेपुर में फर्रुखाबाद में, दोनों घटनाएं इन्हीं लोगों ने की हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर गढ़िया के एक बाग में हथियारबंद बदमाशों द्वारा लूट की योजना बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्वाट टीम प्रभारी कुलदीप दीक्षित ने थाना प्रभारी जयंत प्रसाद के साथ मिलकर अपनी टीम के साथ बाग की घेराबंदी की। वहीं पुलिस के मौके पर पहुंचने की भनक लगने पर बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिनकी जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। फर्रुखाबाद से अमित औदुची की रिपोर्ट।